कर्तव्य होता है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए क्षेत्र के नागरिकों के हित में कार्य करे। कुछ ऐसा ही उदाहरण दतिया में देखने को मिला, जब दतिया कलेक्टर ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर करीब 2000 टन प्याज के बोरे देखे, जिसके बाद कलेक्टर ने आदेश दिया कि ये प्याज मात्र 2 रुपए किलो के हिसाब से बेची जाए। दतिया में कलेक्टर मदन कुमार अपने सह अधिकारियों के साथ दतिया रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां रेलवे प्लेटफॉर्म का मुआयना किया। वहां पाया गया कि कोटेदारों के लिए अत्यधिक मात्रा में प्याज मंगवाई गई थी, जिसे कोटेदार नहीं उठा रहे थे। स्टेशन पर पड़ी हुई प्याज बरसात में खराब हो सकती थी, जिसके बाद अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कलेक्टर ने ऐलान किया कि कोई भी आमजन यहाँ से मात्र 2 रुपए किलो की दर से कितनी भी प्याज खरीद सकता है। सबसे पहले अधिकारियों ने प्याज की खरीदारी शुरू की, जिसमें एसडीएम सहित कई अधिकारियों ने 120 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से प्याज खरीदी। इस दौरान अपर कलेक्टर आशीष कुमार गुप्ता, संयुक्त कलेक्टर विवेक रघुवंशी, एसडीएम वीरेंद्र कटारे, रेंजर आदित्य प्रताप पुरोहित सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। जिनको प्याज की आवश्यकता है 2 रुपए किलो में यहाँ काउंटर खुला हुआ है, प्याज ले जा सकते हैं स्टेशन पर आकर। न्यूज़ बुंदेलखंड के लिए दतिया से रवि रायकवार की रिपोर्ट।